हरे कृष्णा। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम हरिदास। आइए मित्रों, आज हम सीखेंगे काहरवा भजन ताल, उसके साथ एक त्याही। ध्यान पूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज हम सीखेंगे काहरवा भजन ताल, उसके साथ एक त्याही। सबसे सरल मंत्र, आज का मंत्र सबसे सरल मंत्र, सीखने में एक दिन समय लगेगा। ध्यान पूर्वक सीखिएगा। मंत्र आ रहा है, देख लीजिए। चार स्टेप। पहला स्टेप, धा धिट्टी ता। दूसरा स्टेप, एक धिट्टी धिट्टी ता। तीसरा स्टेप, धा धिट्टी ता। चौथा स्टेप, एक तिट्टी तिट्टी ता। आइए पहला स्टेप, आज का मंत्र धिट्टी एवं तिट्टी, अगर आपको समझ आ गया तो आज का मंत्र जल्दी सीख जाओगी। पहला स्टेप, धा धिट्टी ता। धा, एक अंगुली बीच में उड़ा के डुग्गी सीधा एक साथ में बजाना है। कैसे? धा धा, एक अंगुली बीच में डुग्गी सीधा एक साथ में बजाना है। धा धा, अभी धा धिट्टी ता। धिट्टी ये कैसे बजेगा? उल्टा हाथ में बजेगा। ये कैसे उल्टा हाथ में बजेगा? ध्यान पूर्वक देखिए। धिट्टी, एक अंगुली बीच में चिपक के घिसा एक साथ में बजाना है। क्या होगा? धी धी, उसके बाद तीन अंगुली बीच में चिपक के टी धी टी, उसके बाद ता, एक अंगुली बीच में ता। ये हो गया पहला स्टेप। क्या था और एक बार बजा के दिखाता हूं। धा धी टी ता। अभी हम सीखेंगे दूसरा स्टेप, एक धिट्टी धिट्टी ता। एक मतलब खाली, बजेगा नहीं। एक, अभी धिट्टी धिट्टी ता, अभी आपको मैंने सिखाया धिट्टी, और एक बार दिखाता हूं। धिट्टी, एक अंगुली बीच में चिपक के घिसा एक साथ में बजेगा। ये होगा धी धी, उसके बाद तीन अंगुली बीच में चिपक के बजेगा। ये होगा टी। तो धी टी धी टी ता, एक धी टी धी टी ता। मित्रों, ये हो गया दूसरा स्टेप। अभी हम सीखेंगे तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, आइए, धा धिट्टी ता, एक अंगुली बीच में, उसके साथ डुग्गी सीधा एक साथ में बजेगा। धा, उसके बाद धिट्टी ता। ये हो गया तीसरा स्टेप। अभी चौथा स्टेप, एक तिट्टी तिट्टी ता, एक मतलब खाली, एक, उसके बाद टी 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 ता। ये जो टिट्टी, पहला अंगुली चिपक के टी, उसके बाद तीन अंगुली बीच में चिपक के बजेगा टी 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 ता। मित्रों, यही था काहरवा भजन ताल। इसी मंत्र को गौड़ीय आश्रम या मठ मंदिर में बंगाल में ज्यादातर सुनाई देता है। कीर्तन भजन में ज्यादा बजता है। आशा करूंगा ध्यान पूर्वक सीखिएगा। तो मित्रों, अभी आइए संपूर्ण मंत्र बजा के दिखाता हूं। घर बैठे कैसे अभ्यास करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। धा धी टी
ता, एक भिट्टी भिट्टी ता, धा भिट्टी ता, एक टिट्टी टिट्टी ता। और एक बार, धा भिट्टी ता, एक भिट्टी भिट्टी ता, धा भिट्टी ता, एक टिट्टी टिट्टी ता। मित्रों, इसी मंत्र को जब भजन कीर्तन में आप बजाएंगे, सुनने में कैसा, इसका धरन क्या है, इसका पकड़ क्या है, इसका लय क्या है, ये जब बजता है सुनने में कैसा लगता है, आइए मैं आपको बजा के सुनाता हूं। देखिए, सुनिए। धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता। ये तो मित्रों, ये मध्यम गति तक बज सकता है, मध्यम लौ तक। मध्यम लौ बजाने में और सुनने में कैसे लगेगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता। ऐसे तो मित्रों, अभी आइए इसके साथ एक त्याही सीखते हैं। ये त्याही सबसे सरल है, परंतु ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसका पकड़ कैसा है, सुनने में कैसा है, इसका लय कैसा है, इसका धरन कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये कैसा बजेगा, तखेती धा तखेती धा तखेती, मंत्र आ रहा है देख लीजिए, तखेती धा तखेती धा तखेती। ता, एक अंगुली बीच में ता, उसके बाद खे, तीन अंगुली इधर बीच में चिपक के ऐसे ती, तो ता खे ती, धा धा एक अंगुली बीच में, उसके साथ दुग्गी सीधा एक साथ में बजेगा, ता खे ती धा ता खे ती धा ता खे ती, लास्ट में धा नहीं बजेगा। अभी आइए भजन ताल या भजन मंत्र उसके साथ ये त्याही बजा के आपको दिखाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कैसे सुनने में है, जब हम बजाएंगे त्याही के साथ ये कैसे सुनाई देता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, तखेती धा तखेती धा तखेती धा, धिटी ता, एक धिटी धिटी ता, धा धिटी ता, एक मित्रों। अभी आइए मैं गाना गाकर आपको बजाकर सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे भजहू दे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे, ये इस प्रकार बजेगा। अभी हरि नाम गा करके आपको सुनाता हूं, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आज का भजन ताल मंत्र जो आपको मैंने सिखाया उसका तीसरा स्टेप चौथा स्टेप, अगर इसको केवल इसको बजाओगी फिर भी आप भजन में बजा सकते हो। तीसरा स्टेप चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, धा धिटी ता, एक टिटी टिटी ता, सिर्फ
ये दो लाइन बजाने से हो जाएगा। आशा करूंगा ध्यान पूर्वक सीखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। सभी को धन्यवाद, अपना मूल्यवान समय देकर हमारे वीडियो को देखा आपने। आशा करूंगा आप जरूर सीखिए और भजन कीर्तन में बजाइए, भगवान को रिझाइए। तो मित्रों, अगर आपका इच्छा है मेरा पास मृदंग पाठ सीखना है, घर बैठे सीख सकते हो ऑनलाइन क्लास माध्यम में। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे को कॉल करना पड़ेगा। अभी जो नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, लिख करके बताइएगा अगर आपको सीखना है तो। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।